कटनी के फॉरेस्ट खेल मैदान में बिना अनुमति के निजी व्यक्ति द्वारा क्रिकेट एकेडमी का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जहां प्रशिक्षु खिलाड़ियों से 800 रुपये प्रति माह के हिसाब से वसूली की जा रही है, लेकिन खेल विभाग को एक ढीला भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रशिक्षु खिलाड़ियों के अभिभावकों ने बताया कि हर माह एकेडमी संचालक 800 रुपये प्रति माह फीस ले रहे हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को ड्रेस खरीदने की एक दुकान है जो कि एकेडमी संचालक द्वारा संचालित है, वहां से खरीदने की बात कही जाती है। इस खबर के सामने आने के बाद जिला खेल अधिकारी विजय भार ने बताया कि खेल विभाग के मैदान में निजी व्यक्ति द्वारा संचालित क्रिकेट एकेडमी को विभाग की ओर से कोई अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु खिलाड़ियों से यदि राशि वसूली जा रही है तो जांच करेंगे। साथ ही जिला खेल अधिकारी का कहना है कि निजी क्रिकेट एकेडमी खेल विभाग के मैदान में संचालित हो रही है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये एकेडमी मतलब वो एक एज ए ट्रेनिंग सेंटर है, और इसके पहले भी एक बार जैसा कि अभी आपने मुझसे चर्चा भी की थी कि वो बच्चों से फीस लेते हैं, तो सर इसके पहले भी उनकी ये शिकायत हुई थी, तो उनसे हमने एक लिखित में लिया हुआ है कि वो किसी से फीस नहीं लेते हैं, वो एज एक ट्रेनिंग सेंटर एकेडमी जो उनका फेडरेशन है, फेडरेशन की वो ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं वहाँ पे, और उसमें उनका ये कहना था कि जो बच्चे जैसे किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट करते हैं तो वो उनसे पैसे लेके और उनको वो सामान देते हैं, लेकिन वो एज ए ट्रेनिंग ट्रेनीज के तौर पे वो उनसे फीस नहीं लेते। वो उनका लिखित हमारे पास एक रखा हुआ है।